नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का ये जो आपके हिंदी का की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, इसमें जो है पाठ है ये दादी माँ, ठीक है ना। तो इस दादी माँ पाठ को मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन मैं इसकी अब आपको समरी जो है एक शॉर्ट रूप में समरी में आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये कहानी जो है ना, ये शिव प्रसाद सिंह हैं इसके लेखक, शिव प्रसाद सिंह, और उन्होंने अपनी दादी के बारे में इस कहानी में बताया है। और उन्होंने ये बताया है कि जो बड़े लोग होते हैं घर में, उनका क्या महत्व होता है। लेखक खुद भी अब बड़ा हो चुका है, और अब बड़े होने के बाद में उनको बचपन की अपनी दादी की सारी बातें याद आई है। तो उसका एक कारण है, वो मैंने आपको पहले जब कहानी पढ़ाई थी जब भी समझाया था, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही उनका मन जो है वो अनमना हो जाता था, वो जल्दी से घबरा जाते थे। मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी, क्योंकि दादी माँ जो थी ना, वो घबराती नहीं थी कभी भी, चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए, दादी माँ जो है कभी भी घबराती नहीं थी, ठीक है ना। तो लेखक की दादी में क्या है, ममता, स्नेह, दया, ये सब थे उनमें। तो अब जब बचपन था लेखक का, तो अब लेखक को सारी बातें याद आई है, जैसे दादी माँ को वो याद कर रहा है, तो बचपन की सारी बातें भी उसको याद आ रही है। सॉरी बेटा। तो बरसात के जब दिन होते थे, तो वो एक विशेष प्रकार की का सुगंधित पानी उस समय चारों तरफ हो जाता था। पानी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिक्स होने से एक अलग ही तरह की खुशबू आती थी पानी में से, तो उसमें उसको भीगना अच्छा लगता था, पानी में नहाना है ना। तो एक बार ऐसे ही समय उसको बुखार आ गया, तो उस समय उसको बीमार पड़ना भी बहुत अच्छा लगता था। उसको सारी बातें याद आ रही है ना। तो बीमारी के में उसे दिन भर नींबू और साबू मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक बार उसको ऐसा बुखार चढ़ा कि वो उतर ही नहीं रहा था। वे उसकी दादी और जो उसकी दादी थी उसके माथे पर किसी जो गांव में जैसे चबूतरे वगैरह देवताओं के बने हुए होते हैं थान, उसकी मिट्टी लगाती थी, यानी कि उसकी वो भभूत वगैरह, और वह उसे की पूरी तरह से देखभाल करती। और दादी माँ गाँव में मिलने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम उसको याद थे, क्योंकि पहले के ज़माने में दवाइयाँ जो तो होती नहीं थी ये डॉक्टर की, तो वो क्या करते थे कि इन्हीं दवाइयों से इलाज करते थे, जो गांव की दवाइयाँ होती है ना। दादी माँ को इन सब का बहुत नॉलेज था, मतलब है ना, और उनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पुराने ज़माने के लोग गंदगी में रहना पसंद नहीं करते थे, बहुत साफ़ सफाई रखते थे। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मेस महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। अब जब वो बड़ा हो गया है और दादी माँ उसके पास में नहीं है, तो लेखक जो है उसका जो है उसका जो लेखक का जो महाराज है, उसका जो भोजन बनाने वाला रसोईया है, वो अपने हिसाब से उसकी देखभाल करता है मतलब। लेकिन दादी माँ जैसी देखभाल करती है, वैसी उस देखभाल को तो लेखक आज भी मिस करता है ना। और एक पुरानी कोई बात याद आई लेखक को, जिसमें एक बार क्या हुआ, दोपहर के समय रामी की चाची को डांट रही थी दादी, और रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे। दादी माँ क्या लोगों को पैसे भी उधार दिया करती थी, काम कोई काम पड़ जाए तो। दादी के पास पैसे थे, तो दोबारा पैसे मांगने आ गई वो, पहले के पैसे दिए नहीं तो दोबारा नए मांगने आ गई। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी है, वह बाद में सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, लेखक ने कहा कि इसको दे दो, इसको ज़रूरत है, परंतु दादी ने उसको भी डांटा, लेखक को भी। और कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण तो माफ़ कर दिया, यानी पहले के पैसे तो लिए नहीं और नया पैसा भी दे दिया, और ये भी कहा कि देख, मतलब है ना, लड़की की शादी है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कमी रहे तो मेरे को बता देना। और तो दादी, इसका मतलब दादी बहुत दयालु भी थी। लेखक के किशन भैया की शादी थी, है ना, लेखक के बड़े भाई की शादी थी, तो लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वो बारात में नहीं गया। तो दादी माँ ने लेखक को उसके पास की चारपाई पर सुला दिया, और घर में औरतें विवाह की रात अभिनय करती है। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है, तो दादी ने कहा
कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। तो दादी ने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती थी, बच्चे भी खुश रहें, इसका भी। ये पुरानी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत साधारण बातें हैं, और उन साधारण बातों को लेखक ने यहाँ पर लिखा है इस पाठ में। जब आप इस पाठ को खुद पढ़ेंगे, वैसे मैंने पढ़ा दिया है एक बार, ये मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी आप जब इसको खुद पढ़ेंगे पाठ को, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कि ये पाठ जो है बहुत ही पढ़ने लायक पाठ है आप लोगों के लिए। तो दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादाजी की अचानक मृत्यु से भी वे उदास हो गई थी, है ना। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभ चिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। इन्हीं शुभ चिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी का श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। दादी माँ ने मना कर दिया कि अब ज़्यादा खर्चा मत करना श्राद्ध में, इनमें मृत्यु भोज के खर्च में। घर का उधार बहुत बढ़ गया, है ना। एक दिन दादी माँ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दिया जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा, तो दादी माँ ने उसको टाल दिया। यानी दादी माँ कभी कभी दुखी भी हो जाया करती थी। अगली सुबह लेखक ने देखा उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया और उनके रहते चिंता नहीं करने की बात कही। और फिर जो उन्होंने अपने जो सोने के कंगन थे वो उसको दे दिए कि इन सोने के कंगनों को बेच के और तेरी व्यवस्था कर ले, तेरा उधार सारा चुका। तो दादी माँ के पास जो सोने के कंगन थे, एक रात पहले वो रोई, पहले तो उनको दुख हुआ कि मेरे को ये सोने के कंगन दिए थे, मतलब उसके दादाजी ने, है ना, लेखक के दादाजी ने। लेकिन अब चूंकि अब वो पहनेंगी नहीं उनको और इधर उधार भी हो गया घर में बहुत, तो उन्होंने उसको दे दिए। तो यानी उनके मन की दादी माँ जो एक उदार मन की भी थी। तो अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था। आज लेखक को ये सब बातें क्यों याद आई है, ये इस पाठ का सबसे लास्ट जो है कि भाई इसमें हुआ ये था कि लेखक को किशन भैया का लेटर मिला था जिसमें कहा गया था कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। और लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा उस पत्र में कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो लेखक को ये सारी बातें याद आ गई जो मैंने आपको भी बताई है। तो ये कुछ खास खास बातें तो मैंने आपको बता दी है। आपको चाहिए कि आप इस पाठ में वो पूरा एक बार पढ़ लें, और इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको करवा दिए थे। तो अगर अभी भी आपने नहीं किए हैं तो आपको वो प्रश्न उत्तर भी करने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।